हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी हब क्लासेस। सो दिस इज दीपक ठाकुर, योर गाइडर एंड योर मेंटर। सो एस्पिरेंट्स, आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि जनरली भी आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और साथ में अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको जो है वो इसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक है, जैसे कि आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा हाइपरसोनिक मिसाइल की, रशिया ने जो है वो यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल का फायर की है, उस पर आक्रमण किया है हाइपरसोनिक मिसाइल से। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है और क्या फीचर्स हैं, क्या टाइप्स हैं इसकी, और इस तरह से बारे इस चीज़ के बारे में, हाइपरसोनिक के बारे में। ठीक है, साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या इंडिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है या नहीं है, या फिर और कौन सी कंट्रीज हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, तो आज हम हिस्ट्री से लेके फ्यूचर तक, प्रेजेंट फ्यूचर जो है वो कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिए आप एंड तक वीडियो के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन की, तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपरसोनिक मिसाइल, सबसे मेन सवाल ये है। तो मैं आपको बता देता हूँ हाइपरसोनिक, देखो एक मतलब क्या है हाइपरसोनिक का, कि हाई स्पीड वाली। ठीक है, जैसे कि आप थ्री टाइप्स पढ़ते होंगे, सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड देन हाइपरसोनिक। ठीक है, तो हाइपरसोनिक इज रिलेटेड टू स्पीड, राइट। तो स्पीड की अगर हम यहाँ बात करें तो हाइपरसोनिक कौन सी स्पीड है जिसका मैक नंबर जो है वो आपका ग्रेटर देन 5 होता है। ठीक है, जिस मैक नंबर अगर आपका ग्रेटर देन 5 है तो उस मिसाइल को बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। इसका मतलब है कि जैसे कि साउंड का मैक नंबर होता है 1, ठीक है, तो दैट इज इट इज 5 times फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है कि 3836 माइल्स पर आवर की स्पीड होती है साउंड की, तो उससे 5 गुना ज्यादा तेजी से जो वो हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रेवल करती है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि स्पीड क्यों मैटर करती है, तो देखिए स्पीड इसलिए मैटर करती है क्योंकि जो ओपोनेंट होता है, जो दुश्मन होता है, ठीक है, जब हम किसी पे हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक करते हैं तो जो जिस पर हम अटैक कर रहे हैं उसको कम टाइम मिलता है उस पर रिएक्ट करने के लिए और उसको वार्निंग देने के लिए। ठीक है, इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइल जो काफी बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी वॉर में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि काफी हाई एल्टीट्यूड पर काफी स्पीड के साथ जो यहाँ पे मूव करती हुई आपको दिख रही है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले बात आती है मैक नंबर, जैसे कि अभी हमने पीछे बात की कि मैक नंबर अगर 5 से बड़ा है तो वो हाइपरसोनिक है। ठीक है, लेकिन अब होता है कि मैक नंबर होता क्या है, देखो तो मैक नंबर आपका क्या होता है, इट जस्ट नंबर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द फ्लूइड डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो उसके फ्लूइड से रिलेटेड है, डिवाइडेड बाय जो आपके साउंड की वेलोसिटी है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू मैक नंबर। ठीक है, अब मैक नंबर देखिए डिफरेंट टाइप्स के, मैंने आपको बताया कि मैक नंबर भी अब डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है। अगर आपका मैक नंबर लेस देन 0.8 है तो वो रिप्रेजेंट करता है सबसोनिक स्पीड को। ठीक है, अगर आपका 0.8 से लेके 1.2 के बीच में तो दैट इज ट्रांसोनिक, एंड 1.2 से लेके 5 के बीच में दैट इज सुपरसोनिक, एंड विच इज ग्रेटर देन 5 रिप्रेजेंट्स द हाइपरसोनिक। ठीक है, तो आपकी जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है ये रन करती है ग्रेटर देन 5 मैक नंबर पे, यानी कि 5 गुना ज्यादा जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल करती है। अब देखिए मतलब होता क्या है कि जो आपकी मोस्टली बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, ठीक है, थीके? वो काफी फास्ट मूव करती हैं, बट हाइपरसोनिक मिसाइल को मतलब क्या डिफर करता है, मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल इन मिसाइल से कैसे डिफर है, एक तो स्पीड के मामले में, ठीक है, कि ये भी काफी मतलब हाईली स्पीड मतलब हाइपरसोनिक स्पीड के साथ जो ये मूव करती है, और साथ में ये ग्लाइड होती है अपर एटमोसफेयर में, ग्लाइड होकर जो ये मूव करती है, एंड हाईली मैन्यूरेबल है। मैन्यूरेबल का मतलब है कि जो इसकी मारक क्षमता या फिर जो ये हिट करती है तो आप ये अपने ऑन द वे में भी जो ये डायरेक्शन चेंज करके जो है वो उसको अपने टारगेट को इजिली जो है वो हिट कर लेती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाईली मैन्यूरेबल। ठीक है, कि मतलब हम इसकी डायरेक्शन को जो है वो बीच रास्ते में जो है वो चेंज कर सकेंगे, जिससे कि दुश्मनों को जो है वो ये चकमा दे सकती है और काफी मतलब हाई एक्यूरेसी के साथ जो है वो आपके टारगेट को हिट कर सकती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल्स का मतलब एक ये भी बोला जाता है कि जैसे कि एक बार बॉल फेंक दी तो वापिस नहीं ना आती। ठीक है, इन द सेम केस बैलिस्टिक मिसाइल अगर एक बार लॉन्च कर दी है तो काफी कम पॉसिबिलिटीज होती है कि हम उसको जो है वो स्टॉप कर सकें। ठीक है, अब आती है इसकी टाइप्स। देखो तो हाइपरसोनिक जो है वो दो टाइप्स पे काम करती है, एक होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, एक होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्या होती है आपकी, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल आपकी होती है जो कि आपका क्या होता है कि अर्थ सरफेस को लीव करती है। ठीक है,
और उसके बाद जो ये ग्लाइड करके यानी कि अपर लेयर्स पे ये ग्लाइड करके जो वापिस भी आ जाती है। इससे क्या होता है कि जो दुश्मन के रडार्स होते हैं ठीक है उन पे जो ये टारगेट नहीं होती और उनको चकमा देके जो है वो वहां से निकल आती है और हिट कर लेती है। सेकेंड आता है आपका हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब क्या है कि ये भी एक टाइप की तो फास्ट होती है, हाई स्पीड पे जो है वो काफी एक्सट्रीमली हाई स्पीड पे काम करती है, बट मतलब लो फ्लाई करती है, लो एल्टीट्यूड पे भी जो है ये फ्लाई कर लेती है और एनिमीज को जो है ये सरप्राइज कर देती है, उनको चकमा दे देती है और उनको काफी कम टाइम देती है कोई भी रिएक्शन करने के लिए, जिससे कि जब तक वो रिएक्ट करते हैं तब तक ये जो वो अपने काम को पूरा कर चुकी होती है। देखिए गाइस आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टडी हब क्लासेस यानी कि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए जो है स्पेशली डिजाइन फॉर हिमाचली एस्पिरेंट्स ठीक है, कि जो आपका एचपी 9 तहसीलदार है इसका जो है क्रैश कोर्स, साथ में आपके आने वाले जो एग्जाम है जैसे सब इंस्पेक्टर का आएगा, फिर एचएएस का आएगा, एचपी टैट का आएगा, सी टैट का आएगा ठीक है, और साथ में जो है वो अभी हमारी शिमला कमीशन वाले जो है वो डिसाइड कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकालने के लिए जो कि आपकी कोऑपरेटिव बैंक पे निकलेगी, तो उसका भी हम जो है फुल कोर्स लेकर आ रहे हैं। साथ में आपके लिए जो ये चॉइस भी है कि अगर आप सिर्फ एचपी जीके पढ़ना चाहते हो तो एचपी जीके का भी जो है वो हमारे पास अलग से बैच होता है जिसमें हम सिर्फ एचपी जीके ही पढ़ाते हैं, जिसमें आपकी एचपी जीके भी आएगी और एचपी करंट अफेयर्स भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। और हमारा ये जो मेन इनिशिएटिव है इसमें क्या है कि हम मंथली बेसिस पे फीस लेते हैं और बिल्कुल नॉमिनल फीस होती है एज कम्पेयर टू अदर अकेडमीज, बिकॉज हमारी ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है, हमारा एक इनिशिएटिव है ताकि जो हिमाचल के बच्चे हैं वो इजिली जो है वो घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकें एंड विद वेरी लेस अमाउंट एंड अंडर वेल क्वालिफाइड मेंटर्स एंड गाइडर्स ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की तो देखिए सबसे पहले जो था फरवरी 1949 पे रॉकेट लॉन्च हुआ था जैसे व्हाइट सैंड पे ठीक है, जिसकी स्पीड थी 8 to 88.12 किलोमीटर पर आर, यानी कि लगभग 5,000 माइल पर आवर की स्पीड से, और अगर आप मैक नंबर की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 6.7 मैक नंबर के साथ जो था वो एक रॉकेट वहां से लॉन्च हुआ था ठीक है। और साथ में जो फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड हुई थी हाइपरसोनिक फ्लाइट वो एक टू स्टेज बम्पर रॉकेट था ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ डब्ल्यूएसी कॉरपोरल और सेकंड स्टेज क्या था सेटम टॉप ऑफ एट V2 फर्स्ट स्टेज ठीक है, ये दो चीजों से कंसिस्ट होकर जो थी आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल बनी। बाद में इस पे रिसर्च हुई उसके बाद ये थोड़ी सी और एडवांस करी और अब तो यहाँ से बात की जाती है कि मैक नंबर 13 तक भी जो है वो टेस्ट की गई है मिसाइल ठीक है। फिर उसके बाद अप्रैल 1961 में जो रशियन मेजर थे यूरी गगरेन ठीक है, ये फर्स्ट ह्यूमन थे जिन्होंने ट्रेवल किया था हाइपरसोनिक स्पीड में ठीक है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड फर्स्ट पायलटेड ऑर्बिटल फ्लाइट, जब आपकी वर्ल्ड फर्स्ट पायलटेड ऑर्बिटल फ्लाइट हुई थी उस टाइम इन्होंने हाइपरसोनिक स्पीड के साथ ट्रैवल किया था और उसी के साथ ये फर्स्ट ह्यूमन बने थे जिन्होंने हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल किया। उसके बाद जैसे डिफरेंट डिफरेंट आते हैं कि मई 1961 में आपके एक और अमेरिकन हुआ करते थे, फर्स्ट अमेरिकन थे जिन्होंने मतलब हाइपरसोनिक फ्लाइट को अचीव किया था ठीक है, एंड विच हैव अ मैक नंबर ऑफ ग्रेटर देन 5 ठीक है ओवर द अटलांटिक ओशन। तो ये चीजें हैं कुछ जो इसकी हिस्ट्री की हैं। उसके बाद जैसे इसकी री एंट्री प्रॉब्लम होती थी कि जब ये वापिस आती थी तो उसमें काफी दिक्कत होती थी स्पेस व्हीकल की ठीक है, तो बाद में क्या था इसको जो है वो काफी हाइपरसोनिक डिजाइन को जो है वो उसके बाद सब्जेक्ट के जो इसका सब्जेक्ट था उसको स्टडी किया गया, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको समझा और 21st सेंचुरी में आके जो है वो इसके बीच में मतलब एक कॉम्पिटिशन पैदा हो गया यूनाइटेड स्टेट इंडिया रशिया और चाइना के बीच में कि कौन जो है वो ज्यादा बेहतर मिसाइल को जो है वो बनाता है ठीक है, या फिर कौन इस पे ज्यादा अच्छी एडवांस स्टडी करता है और अपने देश को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद देखिए इसकी कुछ डीमेरिट्स भी तो होती हैं, अगर देखो थिंग विच हैव मेरिट्स ऑल्सो हैव डीमेरिट्स, अगर किसी चीज के अगर आपको फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं, या उसके अंदर क्या चीजें हैं जिसकी कमी है या जिसको अभी और सुधारा जाता है। तो सबसे पहले होता है कि देखिए जैसे कि आपको पता है कि काफी हाई स्पीड के साथ ये मूव करती है और काफी हाई अल्टीट्यूड पे मूव करती है, तो वहां पे क्या होता है कि टेम्परेचर आपका लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका टाइटेनियम होता है, जो आपका टाइटेनियम मेटल है आपका, वो लगभग 1670 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो मेल्ट कर जाता है। तो इसके लिए क्या करता है कि आपको हाइपरसोनिक मिसाइल्स को एक तो प्रॉपर शेप से बनाना पड़ता है और हाईली एडवांस्ड मटेरियल के साथ बनाना पड़ता है जो कि इन सब चीजों को जो है वो विदस्टैंड करे और इनसे खरे परे होके जो है वो सक्सेसफुल जो है वो उसमें उतर सके ठीक है। साथ में अगला क्या होता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है आपका कि मतलब रेडियो कम्युनिकेशन जैसे दिक्कत आ जाती है, वहां पे दिक्कत आ जाती है ठीक है रेडियो कम्युनिकेशन को पेनेट्रेट करने के लिए,
उसके बाद आपको जो जैसे मैंने अभी पीछे बताया री एंट्री, जैसे एटमॉस्फेयर से जब ये वापस आता है तो उसमें भी कम्युनिकेशन वगैरह की काफी दिक्कत होती है, स्पेस क्राफ्ट में काफी जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अब तो ये काफी हद तक सुधर चुका है, बट ये जो दिक्कतें हैं वो इसमें हाइपरसोनिक व्हीकल जो थी वो देखी गई थी। उसके बाद मैन्युवेबिलिटी भी जो है वो हाई स्पीड्स में जो है वो काफी मतलब टफ होती है उसको मेंटेन करना, हालांकि जो आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल है इट इज हाईली मैन्युवेबल, बट फिर भी हाईली स्पीड जो होती है वो हाई स्पीड में अगर कोई चीज मूव करती है तो उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है, ठीक है। और एक बार क्या होता है कि जब हम इसको लॉन्च कर देते हैं या इसको छोड़ देते हैं तो इसको वापिस करना या उसको रीमैनेज करना जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है एट हाइपरसोनिक स्पीड पे, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि विच कंट्री प्रोसेस हाइपरसोनिक वेपन्स और आर इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग देम, कौन सी कंट्रीज हैं जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल यूज कर रही हैं, मतलब उनके पास है, और कौन जो है वो करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि रशिया ने अभी जो यूक्रेन पे हमला किया है, ठीक है, तो हमला किया है तो इसका मतलब रशिया तो एक कंट्री है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। और देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि किंजल नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल है, यही जो है वो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, ठीक है, इसी मिसाइल को जो है वो रशिया ने यूक्रेन पे दागा है, ठीक है। और इसको बोला जाता है कि किंजल की जो टॉप स्पीड है वो लगभग मैक 10 के पास है और रेंज जो है इसकी 1200 माइल्स है जब इसको मिग 23 से लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी खास बात है, और यही जो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है यही जो है वो रशिया ने यूक्रेन पर फेंकी है, ठीक है, जिससे कि यूक्रेन को काफी भारी नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा चाइना भी रिपोर्ट करता है कि हमारे पास एक वेपन सिस्टम है, और इन्होंने बोला है कि अगस्त 2021 में इन्होंने सफल लैंडिंग की है, ठीक है। तो चाइना भी बोलता है कि है, साथ में यूएस भी इस पे वर्क कर रहा है। और अगर हम बात करें व्हाट इज नोन अबाउट द इंडियन हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम, अगर हम इंडियन हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें या इस प्रोग्राम की बात करें तो आपको बता देते हैं कि इंडिया अभी काफी मतलब एडवांस स्टेज पर काम कर रहा है, और ऐसा बोला जाता है कि इंडिया ने जो है वो डेवलप किया खुद अपना इंडिजिनियस ड्यूल कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो डेवलप किया है ऑफ इट्स हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल प्रोग्राम के अंडर जो है वो इन्होंने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप किया है। ड्यूल कैपेबल मतलब कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर, ठीक है। और इन्होंने मैक 6 की स्पीड तक का जो स्क्रैमजेट है वो जून 2019 और सितंबर 2020 में जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट किया है, और साथ में इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 12 हाइपरसोनिक विंड टनल, लगभग 12 हाइपरसोनिक विंड टनल ऑपरेट कर रहा है जो कि आपकी कैपेबल है मैक 13 की स्पीड को टेस्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हो मैक 13 यानी कि 13 गुना ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड से जो है वो कैपेबल है उसकी स्पीड को टेस्ट करने के लिए। तो ये जो है वो 12 हाइपरसोनिक विंड टनल इंडिया ने बनाए हैं, ठीक है, या उसको ऑपरेट कर रहा है। तो ये था आपका हाइपरसोनिक मिसाइल से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज थी वो सारी इस वीडियो में आपको होप सो मिल चुकी होंगी। बाकी जो है वो हम ये करंट अफेयर्स में जो है हम अपने लाइव क्लासेस में भी काफी जो लेटेस्ट इश्यूज होते हैं, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जो आपकी आती है, लेटेस्ट चीजें जो आपको आती है, वो हमेशा आप जो है वो डिस्कस करते रहते हैं अपने लाइव क्लासेस के बच्चों के साथ, और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो हम आपके लिए जो है लेकर आते हैं यूट्यूब पर। तो इसी के लिए अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो आप जो है वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हो, और साथ में हमारा जो लाइव कोर्सेज है लाइव बैचेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपके पास हमारा टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मिल जाएगा, तो आप जो है वो उसको ज्वाइन करें और हमारे साथ जो है वो इस इनिशिएटिव का पार्ट बने ताकि जो है वो हर हिमाचल का बच्चा या हर भारत का बच्चा जो है वो आसानी से पढ़ सके और कम पैसे दिए जो है कम पैसों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। हम आपको जो है वो सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, हम आपको प्रॉपर आपकी करियर गाइडेंस भी करते हैं, आपको करियर काउंसलिंग भी करते हैं, आपको बताते भी हैं कि अगर ये ना हुआ तो आप क्या कर सकते हो और किस तरह से अपने टारगेट को आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो है वो वेल क्वालिफाइड पर्सन के अंदर, मेंटर्स के अंदर जो है वो आप गाइडेंस लेते हो, उन्हीं से ही जो है वो आप पढ़ते हो, उन्हीं के नोट्स जो है वो आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और साथ में जो आपके करंट अफेयर्स है वो भी टाइम टाइम जो है आपकी वीकेंड पे क्लासेस लगती रहती है, तो आपके पास चॉइसेस है, क्योंकि हम मंथली फीस के ऊपर है, हम ऐसा नहीं है कि हम आपसे पहले ही जो फीस ले लेते हैं एक साल की, मंथली फीसेज है। आप जब आप कंपेटेबल हो, आपका टाइम जो है वो बिल्कुल कंपेटेबल, आप कंफर्ट हो, या आप जिस टाइम पे आप मतलब पढ़ना चाहते हो आपको जो है वो टाइम प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप एक महीना ही पढ़ते हो तो आपसे एक महीने की फीस ली जाएगी, आप एक साल पढ़ते हो तो आपको मंथली जो है वो हर मंथली जो है वो आपकी इक्वल फीस ली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप पे हम पहले ही जो है वो बोझ डाल देंगे कि आप इतने पैसे जमा करो, तो इनफैक्ट हमारी तो फीस इतनी है भी नहीं,
ठीक है, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है, ना कि एक कोचिंग अकेडमी है। ठीक है, तो आपको जो हम पढ़ाएंगे वो तो जस्ट एक ये है कि नॉमिनल चार्जेस में हम आपको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, क्लासरूम नोट्स आपसे बनवाएंगे, पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे, और आपको मॉक टेस्ट, फ्री में मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएंगी जो हमारे लाइव बैचेस पर जुड़ते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो ऐसे हमारी टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं उनके लिए जो वो टेस्ट सीरीज पेड रहती है, और जो टेस्ट सीरीज है वो लेटेस्ट पैटर्न पे जो है वो आपकी बनाई गई है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स के उसके क्वेश्चंस डाले गए हैं, तो इसलिए आप जो है उसको खरीद सकते हैं, आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ एस्पिरेंट्स विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू एंड जय हिंद।